संत सिंगाजी ताप परियोजना में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 85 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए उपकरण को गुजरात से पावर प्लांट पहुंचाया गया। इस उपकरण से जो गैस व्यर्थ जाती थी, अब ऑक्सीजन गैस की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से वो लोगों के जीवन बचाने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। सिंगाजी ताप परियोजना में उत्पादन के दौरान फेस वन के हाइड्रोजन प्लांट से वातावरण में 99.9% ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती थी, जो व्यर्थ में बर्बाद हो रही है। ये गैस ऑक्सीजन गैस की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से व लोगों के जीवन को बचाने के उपयोग में लाई जाएगी। ऑक्सीजन को शुद्ध कर 1.5 घंटे में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकेगा। हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन प्लांट तक 50 मीटर की लाइन डाली गई है, जिसका सावधानी पूर्वक टेस्टिंग कर अहमदाबाद गुजरात की एरोस कंपनी के इंजीनियरों की देखरेख में प्रतिदिन 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की तैयारी में ताप परियोजना के अधिकारी कर्मचारी जुट गए हैं। ऑक्सीजन गैस उत्पादन शुरू होते ही सबसे पहले मुंदी कोविड केयर सेंटर पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए दिए जाएंगे। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। बहुत प्रतीक्षित हमारा ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद से अभी शाम को आज पहुंचा है। इसका इरेक्शन कमीशनिंग का काम आगे किया जाएगा। कंपनी का एराक्स कंपनी का सर्विस इंजीनियर यहाँ पे है। ऐसी उम्मीद है कि हम शीघ्र किसी ऑक्सीजन उत्पादन प्रारंभ करेंगे।